मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म भटनेर फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं, आप पूरा इसका एड्रेस बताएं पिंटू जी। पिंटू जी हैं जंडवाला मीरा संगला, तहसील फाजिलका, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। डिस्ट्रिक्ट भी फाजिलका भी चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब में है, हमें पंजाब। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर, इन्होंने पिगरी फार्म कर रखा है बहुत ही बढ़िया अपने छोटे स्केल पर, और अभी इनके साथ जो है पहले इनकी टाइल फैक्ट्री थी, अभी टाइल फैक्ट्री के साथ साथ इन्होंने पिगरी का भी इंक्लूड कर लिया है। चलिए देखते हैं। हाँ, अच्छा आपको टाइल फैक्ट्री करे को कितना टाइम हो गया पिंटू जी? ये तो सर 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल से है, तो ये सर हमारा अभी साल हुआ है। ठीक है, पिगरी फार्म को बहुत बढ़िया, इससे भी बेटर काम है ये। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ये फार्म में एंटर होंगे और ये प्रेग्नेंट है, अभी तैयार है। ये हम अभी जो है इस केबिन में सर्दी के बचाव के लिए है, ये मादा जो है वो प्रेग्नेंट है और अभी कुछ दिनों में सूने वाली है। यस सर। ये दूसरी मादा है यस सर, जो अभी कुछ दिनों में ही सूने वाली है। ये जस्ट अभी 15-20 दिन पहले सूने। अच्छा ये बच्चे कितने दिनों के हैं? ये 25 दिन के। 25 दिन के बच्चे, कितने बच्चे? ये बच्चे सर 2 पीछे पड़ गए, चले गए। ठीक है, अच्छा करीब पर है पीछे। यस सर। ठीक है, टोटल इसके बच्चे हुए कितने थे? 8। अच्छा 2 मर गए। ठीक है। अच्छा ये गिल्स हैं? ये गिल्स प्लस इसमें खस्सी है। हाँ खस्सी सूट प्लस, और इनकी इनकी एज की जो है वो 5 सूरियाँ सुने लगने वाली है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगने वाली है। तो ये हमारे बच्चे, ये हमने खुद जैसे। अच्छा आपके खुद आपकी सूर्यों के खुद के बच्चे? यस सर, इनके ही है जो अभी सुने वाली है। इनकी कितनी उम्र है? इनकी सर 4.5 महीने। 4.5 इनका वेट कितना है अप्रोक्सी? इनका सर 30-35-35-40 के किलो के। तो ये लगी हुई सूर्य है। अच्छा ये गर्भवती है अभी? ये अभी गर्भवती है। ठीक है, ये 4 सूर्य है, 5 है? ये 2-2-4-5 इधर। हाँ तो ये सूर्य। अच्छा ये है आपका नर है जी? ये नर। ठीक है, तो हम माल देखते रहते, नहीं तो हमारे पास माल तो पूरा ही नहीं आता जी। ये भी लगी हुई है। अच्छा ये गर्भवती है? ये नजदीक है, बिल्कुल 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 नजदीक है। ये भी नजदीक, ये भी प्रेग्नेंट। अच्छा पिंटू जी आपको इस पिग फार्म किए को कितना टाइम हो गया? 1 साल। 1 साल आपने कितने पशुओं से स्टार्टिंग की थी पिंटू जी? हमने 10-10-20 और 25-30 क्या 25 क्या 10 सूरियां तो छोटे। अच्छा 10 सूरियां और 10 सूरियां 10 सूर खस्सी, मतलब जो खस्सी थे जी जी जी। तो और 4 सूरियां बस जस्ट सूने वाली। ठीक है ठीक है, जो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास हुई थी। अच्छा कुल मिलाकर 14 सूरियां थी आपके पास? उनके बच्चे भी बेच गए। हाँ जी। अच्छा अभी तक आपने माल बेचा कितने रुपए का? हमने 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए का आपने माल बेच दिया इनको? दे गल करी राजेंद्र नाथ गल कर। अच्छा आपने अभी तक सूर बेचे कितने रुपए के हैं? जो मतलब हमने अमाउंट की बात करते हैं, बच्चे बेचे हैं सब कुछ बेचे हैं, लगभग 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए का आपने बेच दिया है, और आपका इस कंस्ट्रक्शन पर खर्चा कितना आया था? 2-2.5 लाख। अच्छा 2-2.5 लाख रुपए आपका खर्चा आया, और उसके बाद में आपने पशु कितने डाले थे? 24-25। हाँ मतलब 2 लाख रुपए का माल डाला था। 2 लाख रुपए का आपने माल डाला था, तो उसमें से क्या हुआ सर? 2 लाख रुपए कैसे आपने क्या कह रहा है? सूरियां जो गिल्ड थी? गिल्ड थी। अच्छा गिल्ड थी, प्रेग्नेंट नहीं थी? प्रेग्नेंट थी, जो है जस्ट सोने वाली थी। अच्छा वो कितनी थी? जस्ट सोने वाली कितनी थी? 4 सर। झूठ ठीक है, हकीकत जो वही। अच्छा आप इस बिजनेस को फायदेमंद मानते हो? फायदेमंद है। अच्छा जो नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? उनके लिए संदेश यही है, अभी फीड का थोड़ा सा खर्चा पड़ता है लेकिन फिर भी कमाई है। जहाँ पे आदमी ने 1 साल में 5 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख कमाना है, वो 5 लाख इन्वेस्ट करके पहले साल 8 लाख कमा सकता है फीड के अंदर। बिल्कुल, अगर वेस्ट उसको मिल जाए तो फिर 10 लाख हो जाता है, वो 2 लाख रुपये वेस्ट का बचेगा। आप प्रेफर करते हो वेस्टेज को? वेस्ट को हम प्रेफर नहीं करते, हम तो ओनली फीड पे, हमारे पास टाइम ही नहीं होता सर। हमारा आज भी और भी बिजनेस है, दुकानदारी है, इतना टाइम नहीं होता हम जो कलेक्ट कर सकें वेस्ट को, लेकिन वेस्ट में थोड़ा सा 2-3 लाख रुपये। अगर सरकार को चाहिए, अगर क्वालिटी लेनी है या वो देखते तो है नहीं, फिर वो तो वही रेट, ये भी है तो वही रेट वेस्ट वाला भी है।
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। अच्छा आप इसका जो है वो पानी की निकासी है वो कहाँ का? वो सर ये पीछे ये पीछे ये इधर वो बन जाता है, ये आली निकालते रहते हैं, ये बागों में खेतों में, हमारा अपना खेत है तो उसमें डाल देते हैं ये। ठीक है ठीक है, वो खेत में फसल ज्यादा होती है तो पानी उधर अपने आप सिम जाता है। ठीक है अच्छा, और फीड जो है वो आप खुद बनाते हो? खुद भी बनवाते हैं, गोदरेज की लेते हैं, प्लस एक रॉयल की आती है वो लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप इस बिजनेस से खुश हैं? यस सर खुश है। आप इसको बढ़ावा देंगे अभी कुछ टाइम? सर बढ़ावा है, हम मतलब ज्यादा नहीं रख सकते, 4-5 हज़ार खर्चा हो जाता है पर मंथ का, तो हम निकालते रहते हैं माल। ठीक है, ये हमारा ये अगर सूर्य समय ये हमको भी दिखता है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन उसका फिर आगे खुद डे बनाने, आगे जगह, हर एक चीज का सर काम